मध्य प्रदेश में नगर निगम और नगरीय चुनावों का आगाज हो चुका है। इस बार मध्य प्रदेश में चुनावों में पार्षदों के द्वारा महापौर और अध्यक्ष को चुनना है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सत्ता का सेमीफाइनल भी है। इसी क्रम में खनियाधाना में नगर परिषद के चुनाव होने हैं, जिसका मतदान 6 जुलाई को होना है। इसी कड़ी में खनियाधाना के वार्ड क्रमांक 9 में भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा जोरदार तरीके से घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। जिस तरह अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर ये लगता है कि भाजपा की जीत लगभग तय है। भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस बार के चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत सुनिश्चित है और खनियाधाना में भी 15-15 के वार्ड जीत कर भाजपा अपना परचम लहराएगी और नगर के विकास को तेजी से कराया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त परिषद बनाई जाएगी। अब देखना होगा कि जिला अध्यक्ष की बात कहां तक सही साबित होती है। भाई साहब, नगर खनियाधाना में आपका आज आगमन हुआ है, क्या क्या कार्यक्रम निश्चित हुए आपके? आज हमने सभी प्रत्याशी, 15 वार्ड है, 15 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की एक बैठक भी ली है। उनके द्वारा कोई उनको व्यक्तिगत समस्याएं थी उनको भी सुनाए और उनके जो परिजन है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे जो खनियाधाना में निवासरत हैं, उन सबके साथ हमने बैठक भी की है और उनको अच्छा लगा। भाई साहब, जैसे कि एक सबसे बड़ा अभी सवाल खड़ा हो रहा है पिछोर विधानसभा में, ऐसा लग रहा है कि नगर पंचायत या जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायतों में जो टिकट वितरण भाजपा पार्टी की तरह से किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है, आम कार्यकर्ता उससे नाराज दिख रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप सभी को पता है बड़ा दल है और बड़ा दल होने के नाते हमारे प्रत्येक वार्ड में कई सैकड़ों कार्यकर्ता भी है और निश्चित रूप से वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है और टिकट हमारे सभी कार्यकर्ता मांगते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारे नेतागिरी करते हैं तो टिकट मांगने का अधिकार भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है उनको टिकट दिए हैं और सभी हमारे जो कार्यकर्ता सब एक साथ जुटकर अब लग गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो सभी कार्यकर्ता मन से काम करते हैं, जब तक टिकट नहीं होता तब तक सब मांगते हैं, फिर टिकट जिसका हो जाता है तो सब लग के जिताते हैं और इस बार सभी वार्ड हम जीतेंगे। आके आम कार्यकर्ता की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे? नहीं, आम कार्यकर्ता नाराज नहीं है, हमारे कई कार्यकर्ता इतने हर्षोल्लास के साथ हमारे साथ आज प्रातःकाल से ही आए हुए हैं। हमने आज लगभग 7 वार्ड में ओपनिंग भी किया है, शुभारंभ किया है कार्यक्रम का, 1-2 वार्ड में और अभी भी जाने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं से हमारी भेंट हुई है, घर जाके संपर्क भी किया है, हमारे यहाँ ऐसा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। वैसे खनियाधाना नगर में पुरानी जो परिषद थी वो कांग्रेस की थी, इसमें कई तरह के बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको उठाया नहीं जा रहा अभी तक पार्टी की तरफ से? नहीं, उठाया जा रहा है, पार्टी के हमारे जो पार्षद हैं वो भी उठा रहे हैं इस मुद्दे को। और जो जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, तो भ्रष्टाचार की बातें आती रहती है और इसीलिए हम 15 बार जीत रहे हैं और इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी खनियाधाना नगर परिषद में परचम लहराएगी और पूरे के पूरे 15 वार्ड जीत कर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनेगा और भ्रष्टाचारी जैसे कोई जो है जगह स्थान नहीं रहेगा, स्वच्छ नगर होगा, साफ सुथरा नगर होगा। धन्यवाद।